आज का टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोलिक एसिड में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर के 2019 तक, सॉरी 2021 तक, ये सभी हमारे पीडीएफ में उपलब्ध हैं। हमारे यूट्यूब ज्वाइन करने के लिए ब्लैक बोर्ड एजुकेशन सर्च करें और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म श्रवण क्या देता है? तो इसका आंसर सही होगा फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। कार्बन एटम इन द कार्बोनाइल ग्रुप इज, कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, मैंने किस प्रकार का इसके पास हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो यह sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कहे कि इसके पास तीन गो सिग्मा बंधन रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द रिएक्शन इज कॉल्ड, प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? RCOCl प्लस H2PdBSO4 बना रहा है अल्केनल और HCl, तो इस अभिक्रिया को हम लोग रोजमेंड रिएक्शन कहते हैं, रोजमेंड रिएक्शन। बी आंसर इसका सही होगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, मैंने निम्नांकित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया को, चाहे कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है चाहे दर्शाता है, तो इसमें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसमें डी के पास यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है कौन, तो इसका भी आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, इनमें से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहता है वह नहीं दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर सही होगा बी, एसिटिलॉल्डिहाइड। एक गलत है, ये नहीं होगा, यह सी भी नहीं होगा और यह डी भी नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ टोलन रिजेक्ट द कंपाउंड इज, तो यह है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड सॉरी एसिटल्डिहाइड CH3 CHO एसिटल्डिहाइड। उसके बाद मैंने इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि RC OH H2PdBSO4 के उपस्थिति में यह RC मैंने एल्डिहाइड प्लस HX देता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह भी आपका आंसर सी होगा, रेजमोंड रिएक्शन हो जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, निम्नलिखित में कौन सा जो केंद्र स्नेही झुकशील अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है? तो इसमें बी आंसर सही होगा, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, IUPAC नेम ऑफ CH3COOH, तो इसका एथेनोइक एसिड होता है, बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्किनल, अल्किनल का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2nO होता है, बी आंसर इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेजर, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसको बचपन की क्लास से हम लोग याद करते आ रहे हैं, कीटोन ऑन रिडक्शन विथ LiAlH4 और H2O गिव्स, कीटोन का अपचयन LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ H2O से कराने पर प्राप्त होता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिक एसिड गिव्स सिल्वर मिलर टेस्ट, कौन कार्बनिक
अम्ल सिल्वर मिलर जांच देता है तो इसका फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक एसिड, बी आंसर सही होगा। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप इसमें से कौन है, तो ए हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। व्हिच ऑफ फ्लोइंग अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो इसमें बी के पास अल्फा हाइड्रोजन। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग अल्डोल कंडेंसेशन, निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो यही आपका आंसर बी सही हो जाएगा। चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन भाग ही लेता है, तो इसमें यह CH3CHO इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हिच ऑफ फ्लोइंग अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इसमें भी आपका आंसर सही हो जाएगा डी, बाकी सबके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं होगा, तो सूर्य का भी डी आंसर हो जाएगा, एसिटल एल्डिहाइड है, चाहे इसको एथेनॉल भी बोलते हैं हम लोग। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल समूह में कार्बन का प्रसंस्करण क्या है, तो इसका sp2 होता है, बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सॉल्यूशन गिव्स, मैंने क्या देता है, कौन सा प्रोडक्ट देता है, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर कौन सा पदार्थ देता है, तो यह हो जाएगा सी मिथाइल अल्कोहल देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेटिव, पहला क्वेश्चन का रिपीटेशन है, यह देता है फॉर्मल्डिहाइड, ये आंसर इसका सही होगा। कह रहा है कि बाय व्हिच ऑफ फ्लोइंग रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलाल्डिहाइड, फिनॉल को सैलिसिलाल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, तो रिमर टीमैन रिएक्शन होता है, सी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नेम ऑफ ए स्टोन इन IUPAC सिस्टम, माने IUPAC प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है, तो एसीटोन में तीन गो कार्बन रहता है, तो तीनों के लिए प्रोप इसमें जोड़ते हैं सिंगल बॉन्ड, तो एन आ उसके बाद कीटोन के लिए ओन, तो प्रोपेनोन, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।